कि हम दोनों ऊपर काम कर रहे थे और वो छज्जा ही फट गया जी, बस हम ही दो ही थे जी। हाँ हाँ मकान हमारा है, ये तो बात है। बहू ने फोन करा, डैडी जैसे आदमी गिर गया, आप आओ। पानीपत से एक बेहद ही दुखद मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर ये पूरा परिवार रो रहा है क्योंकि अब इनके परिवार का एक सदस्य इनके बीच नहीं रहा। हादसा ऐसा हुआ कि जब परिवार वालों को पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार वाले रो रहे हैं। दरअसल घटना हुई है पानीपत के तहसील कैंप के न्यू रमेश नगर में, जहां पर दो मजदूर एक मकान को बना रहे थे। तीसरी मंजिल पर वो मौजूद थे, इसी बीच छज्जा आगे की ओर झुक गया, जिसकी वजह से काम कर रहा मजदूर नीचे गिर गया। हालांकि उस वक्त दो मजदूर मौके पर मौजूद थे, लेकिन एक मजदूर नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। मजदूर ने बताया कि जैसे ही छज्जा नीचे की ओर झुका तो आगे के हिस्से का छज्जा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मजदूर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। एक बार सुनिए साथी मजदूर ने क्या कुछ बताया। ऐसा जी, हम दोनों ऊपर काम कर रहे थे और वो छज्जा ही फट गया जी। कौन था वो मजदूर? था जी हम। क्या नाम है उसका? नाम तो हमें नहीं पता है जी उसका। ये हुआ है तहसील कैंप में जी, न्यू रमेश नगर। किस तरह गिरा छज्जा? अब छज्जा अभी गिरा नहीं है जी, लटका हुआ है, मतलब छज्जे का ही बैलेंस ही डाउन हो गया जी। और कौन था वहाँ मौके पे उस टाइम? बस हम ही दो ही थे जी। वो नीचे गिर गया? वो नीचे गिर गया। कितने नीचे गिरा? ये होगा करीब करीब 20 फुट होगा जी। तीसरी मंजिल? तीसरी मंजिल। हाँ दूसरी मंजिल। हाँ जी, हाँ जी। वही मकान मालिक को जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना लगी तो वो तुरंत मजदूर को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें नहीं पता कि हादसा कब और किस वजह से हुआ है। उस वक्त वो अपनी दुकान पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही परिवार वालों ने उन्हें सूचना दी तो वो मौके पर पहुंचे और मजदूर को लेकर अस्पताल पहुंचे। मैं शॉप पे था, पीछे आदमी काम कर रहे थे। हाँ हाँ मकान हमारा है, ये तो बात है। बहू ने फोन करा, डैडी जैसे आदमी गिर गया, आप आओ। तो आप ही लेकर आए यहाँ? हाँ जी, जो हमारा फर्ज था वो हम पूरा कर रहा है, जो आगे वो भी करेंगे। मृतक का नाम राम बिहारी है, जो पानीपत का ही रहने वाला है। उसकी आज घटना के दौरान मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वो इसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।